जी इस चीज को हम इस तरह भी दिखा सकते हैं ई सेल किसके ई ई माइनस एनोड इज अ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द एनोड इसको हम ये भी दिख सकते क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रोमोटिव इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें जो रिडक्शन है वो राइट हैंड साइड होनी है और जो ऑक्सीडेशन है वो लेफ्ट हैंड साइड होनी है तो इसलिए ई सेल को हम ये भी इस लिख सकते हैं ई राइट माइनस ई लेफ्ट ये आपको याद रखने की जरूरत है तो ई एम एफ ऑफ द सेल क्या हो गया द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल व्हेन आइदर और नो और निगलिजिबल करंट इज अलाउड टू फ्लो इन द सर्कल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है अगर दोनों इलेक्ट्रोड में या तो निग्लिजिबल या बहुत कम करंट क्या फ्लो हो रहा है तो दोनों, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल का जितना डिफरेंस है उसे हम क्या बोलेंगे ई एम एफ ऑफ द सेल बोलेंगे द ई एम ऑफ द सेल इज मैर विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर मीटर इसको पोटेंशियोमीटर मीटर की हेल्प से मैयर किया जाता है इट ई एम ऑफ द सेल किस पे डिपेंड करता है डिपेंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और कंसनट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन द टू हाफ सेल्स पे क्या करता है डिपेंड करता है फॉर एग्जाम्पल ई एम एफ ऑफ द डेनियल सेल इनमें कंसनट्रेशन ऑफ एक्वाइन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड जिंक सल्फेट इन टू हाफ सेल इज वन मोलर एट टू नाइनटी एट कैलविन टेम्परेचर इज वन पॉइंट वन जीरो वोल्ट जैसे हमें बताया गया कि अगर हम डेनियल सेल लेते हैं जिसमें हमारे पास दो सोल्यूशन थे कॉपर सल्फेट सल्यूशन और जिंक सल्फेट सोल्यूशन उनके कंसनट्रेशन कितनी थी वन मोलर एट टू नाइनटी एट कैलविन टेम्परेचर पर उनका ई एम एफ कितना वन पॉइंट वन जीरो वोल्ट है ठीक है अब हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन द ई एम एफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या डिफरेंस है ई एम एफ क्या है इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्कट मतलब दो इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना डिफरेंस है जब उसमें सेल में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा इट इज अ डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द टू इलेक्ट्रोड वेन द सेल इज सेंडिंग करंट थ्रो द सर्कट और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जब हम सेल को क्या कर रहे हैं करंट सेंड कर रहे हैं थ्रो द सर्कट इट इज मैक्सिमम वोल्टेज ऑप्टेन फ्रॉम द सेल इससे हमें पता लगता है जो सेल है वो हमें क्या मैक्सिमम कितनी वोल्टेज दे सकता है तो इट इज लेस देन द मैक्सिमम वोल्टेज ये हमारी जो मैक्सिमम वोल्टेज ऑप्टेन हो सकती है उससे कम होता है द वर्क कैलकुलेटेड फ्रॉम ई एम एफ इज द मैक्सिमम वर्क ऑपटेन फ्रॉम द सेल मतलब ई एम एफ से जितना वर्क कैलकुलेट हुआ जितना वर्क कैलकुलेट हुआ मतलब जितनी वोल्टेज कैलकुलेट हुई वो मैक्सिमम वर्क होता है सेल का इट इज अ वर्क कैलकुलेटर फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस दैन द मैक्सिमम वर्क फ्रॉम द सेल तो पोटेंशियल डिफरेंस में जो वर्क कैलकुलेट करते हैं हम वो कम होता है सेल से क्योंकि यहाँ पे हम करंट सप्लाई करते होते हैं और यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ स्टडी करंट इन द सर्कट मतलब ये रिस्पॉन्सिबल है कि सेल में एक स्टडी करंट चल रहा है इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ स्टडी करंट इन द सेल और ये सेल में स्टडी फ्लो ऑफ करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है ठीक है तो ये अपने डिफरेंस अपनी नोटबुक पे करना है